हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि नीट 2020 की एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, और आज फाइनली उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। इस बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक खबर के मुताबिक NTA के अधिकारी की ओर से एक बड़ा बयान आया है, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये खबर 6 मार्च 2020 की है और इस हेडलाइन में लिखा है, NTA के अधिकारी ने कहा है नीट की परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा और बताया गया है कि 3 मई को ही परीक्षा होने वाली है। तो इस हेडलाइन में साफ तौर पर बताया गया है कि नीट की परीक्षा 3 मई को ही होने वाली है। आगे इस खबर में ये लिखा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कथित तौर पर NTA को GMAN 2020 और नीट 2020 परीक्षा तिथियों को स्थगित करने के लिए कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि CBSE को उन छात्रों के लिए नई तारीखों पर बोर्ड परीक्षा आयोजित करनी होगी जिनकी परीक्षा उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा के कारण रद्द कर दी गई थी। आगे इस खबर में लिखा है कि NTA के अधिकारी ने भास्कर न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि नीट परीक्षा 3 मई को ही ली जाएंगी, नीट परीक्षा में तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। CBSE ने नोटिस जरूर भेजा है लेकिन NTA परीक्षा तिथि को बदलाव नहीं करने वाला है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि बिना अफवाहों में आए अपनी तैयारी 3 मई को लेकर कर लीजिए। हालांकि छात्रों को दृढ़ता से अफवाहों से दूर रहने का सुझाव भी NTA ने दिया है। GN नीट की किसी भी परीक्षा तिथि के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। अगर अधिकारी वेबसाइटों पर कोई नई तारीख लाती है तो केवल यह जान ले कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सभी बोर्ड केवल सभी छात्रों की सुविधा के अनुसार परीक्षा तिथि प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस खबर में साफ लिखा है कि नीट की परीक्षा 3 मई को ही ली जाएंगी और नीट की एग्ज़ाम तिथि में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों, नीट की एग्ज़ाम को लेकर आप अपनी तैयारी मजबूत बना लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा अब 3 मई को ही होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।